गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मोहित कुमावत, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे ऋतिक राज के बारे में। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ऋतिक राज जो है RIMC जून 2023 जो आपका एग्जाम था उसका ऑल इंडिया रैंक 1 है। एंड ऑल इंडिया रैंक 1 अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आज की वीडियो में हम ऋतिक से डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया या उन्होंने क्या अलग हटके, जो प्रिपरेशन सभी बच्चे करते हैं लेकिन इन्होंने एक अलग हटके किस टाइप से प्रिपरेशन किया कि इनका ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो सबसे पहले ऋतिक राज, कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं हूँ ऋतिक राज, जैसा कि आपको पता ही होगा मैंने पिछली लाइफ में बोल रखा था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट करना है और मैंने ये अचीव किया है। और अगर मैं अपने पर्सनल डिटेल में जाऊँ तो मेरे पापा का नाम रुपेश कुमार सिंह है, मम्मी का नाम रंभा कुमारी है और मेरे पापा एक फार्मर हैं। फार्मर का बेटा होते हुए भी मैंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट किया है। और मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ददपी में, और मेरी बहन क्लास 6th में है जो कि RMS के लिए तैयारी कर रही है। डेट्स ऑल मोहित सर। ओके, तो बेटे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको RIMC जो वर्ड है, मीन्स RIMC के बारे में आपने सबसे पहले कहाँ सुना एंड आप कैसे, मतलब आपको लगा कि हमें भी इसका प्रिपरेशन करना चाहिए एंड आपने इसके पहले कोई एग्जाम दिया था? बट इसके पहले कोई एग्जाम दिया था आपने? सर इससे पहले तो मैंने सैनिक का भी दिया था, मिलिट्री और नवोदय का भी दे रखा था, पर RIMC के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मैं स्कूल में पढ़ रहा था। एक दिन मेरा दोस्त जिसका नाम देवकरण था, देवकरण आता है, बोलता है कि देख मैंने RIMC का पेपर दे रखा है। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था उसके बारे में, मैंने पूछा क्या है ये, कहाँ है ये, मतलब कि पेपर फिर उसका देखा मैंने, मैथ का पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, हालत ख़राब हो गई मेरी देख के। फिर उसके बाद मेरे मैथ के सर थे उनको भी दिया गया वो पेपर, तो उनको भी बहुत टाइम लग रहा था उसको सॉल्व करने में। मैंने सोचा ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है पेपर। फिर मैंने जब RMS का दिया तो RMS में इंटरव्यू फेल हो गया था मैं। उसके बाद जब मैं आया तो लक्ष्य अकेडमी से जब जुड़ा तो उन्होंने बोला कि RIMC का चांस बच रहा है मेरा, प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने प्रिपेयर किया और मैं पहुंच गया यहाँ पे। डेट्स ऑल। ओके, तो सबसे पहले बेटे आपको ये बताना है कि जैसे कि आपने मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया था लेकिन आप उसमें इंटरव्यू में फेल हो गए, मीन्स लेकिन आपका पेपर क्वालिफाई था मिलिट्री स्कूल में। ओके, और एंड उसके बाद आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम भी दिया था बेटे? यस। तो उसमें आपका क्या स्कोर था? सर उसमें स्कोर था 262। 262 आउट ऑफ 300। ओके, एंड एक बात बेटे, जैसे कि मान लो अभी जैसे आपने RIMC जून 2023 जो एग्जाम दिया था, यस, इसके पहले आपने दिसंबर 2022 भी दिया था? यस सर दिया। तो उसमें क्या स्कोर था एक बार वो बताइए सर। एक्चुअली उसमें तो टोटल मार्क्स 209 आए थे जिसमें मैथ के 120 का कॉन्ट्रीब्यूशन था और GK में 50 थे और इंग्लिश में 39 थे, बहुत कम स्कोर था इसलिए फेल रह गया था मैं। मतलब आपने जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया नहीं था, हाँ। सेकंड अटेम्प्ट आपने 2022 दिया दिसंबर 2022, तो उसमें आपके 200 प्लस स्कोर था एंड उसमें आप मतलब इंग्लिश में फेल थे। एंड फिर आपने, आपको लास्ट अटेम्प्ट है जो अगर हम बात करते हैं जून 2023 आपका लास्ट अटेम्प्ट था, यस सर। तो इसमें अभी जैसे बात करते हैं RIMC जो जून 2023 है एंड अभी मतलब जून 2023 एंड दिसंबर 2023 ये जो पेपर की अगर बात करते हैं तो इसका लेवल कुछ अलग ही था बड़े मैथ्स का। तो बड़े आप एक चीज बताइए, जैसे कि कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो प्रिपरेशन करता है प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता है, तो आपने भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की, लेकिन जब आपने पेपर देखा मैथ्स का जून 2023 तो उसमें मैथ्स का लेवल कुछ अलग ही था, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया बेटे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनीष भैया ने और आप लोगों ने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा दी थी मैथमेटिक्स की। मैं पटना में जब आपसे मिला था तब भी मैंने बोला था कि सर मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस होगा तो इंग्लिश या GK में कुछ होगा तो होगा, नहीं तो मैथ तो भाई कुछ भी आ जाए मैं बस लिख के आ जाऊँगा, सही हो जाएगा सर। बट जब मैं पेपर देने गया ना तो वहाँ पे पेपर का लेवल अलग ही था। जब पहला क्वेश्चन देखता हूँ देखता हूँ अरे इतना हार्ड पेपर है, फिर कैसे कैसे संभाला अपने आप को और पूरा पेपर किया जैसे तैसे। फिर मैं जब बाहर निकला तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही इतना खतरा बेकार पेपर गया है, दूसरे मेरा दोस्त था चिन्मय कर्ण निकलता है तो मैंने पूछा कि तूने कितना किया, तो वो बोलता है भाई देख मेरे तो 80 का अटेम्प्ट ही किया है, देखता हूँ क्या होता है। मेरा एक और दोस्त था आयुष, प्यार से प्रोफेसर भी बोलते हैं उसको, तो उससे जब मैंने पूछा तो वो बोलता है कि देख मैंने 120 का अटेम्प्ट किया है, देखते हैं कितने आते हैं। तब मुझे हल्का शांति हुआ कि चलो सही है, फिर गया। फिर इंग्लिश का पेपर तो आसानी आया था, कम से कम 80 या 90 स्कोर हो रहे होंगे उसमें, और GK का भी आसानी था लगभग।
तो आप कुछ कहना चाहोगे कि जैसे कि अगर पेपर मान लो कि जैसे टफ है तो सभी के लिए टफ है, हाँ तो अगर मान लो इस टाइप का पेपर जो आ रहा है अभी से जून 2023 में इस टाइप का पेपर था मैथ्स का, एंड दिसंबर 2023 में भी उससे भी अच्छे लेवल का पेपर था, तो इस सिचुएशन को जो भी मतलब जो भी बच्चे भी आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें वो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे आपके इतने ही आते हैं, किसी के पास गॉड गिफ्टेड दिमाग होता नहीं है कि वो मतलब कि आपसे ज़्यादा कर सकें, क्योंकि पेपर हार्ड होता है तो सबके लिए हार्ड होता है, ईजी होता है तो सबके लिए ईजी होता है, तो डरने की जरूरत तो होती नहीं है, क्योंकि अगर डर जाते हैं तो फिर पेपर और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो आपने खुद ने ऐसा पेपर लगने के बाद आपने सोचा था कि मैं ऑल इंडिया रैंक वन में आ सकता है, ऐसा आपको लग रहा था कुछ? सर ऑल इंडिया रैंक वन का तो पता नहीं था, पर इतना तो श्योर था कि हाँ पास हो जाऊंगा, और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद ये भी श्योर हो गया, मुझे तो इतना पता था कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही रहूँगा मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश भी अच्छी गई थी, जीके भी अच्छी गई थी। और एक चीज़ और, जैसे कि अभी इंटरव्यू जो होता है तो इंटरव्यू के बारे में आप कुछ आप एक बार अपना डिटेल्स में बताइए, जो आपका इंटरव्यू था इंटरव्यू वाला डे था तो मतलब क्या आपका रूटीन रहा, एंड इंटरव्यू ने आपने क्या क्या पूछा वहाँ पे, जो एंट्री है किस टाइप से रही आपकी, वहाँ पे क्या क्या आपसे क्वेश्चन पुट किए गए, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, ये है वो है, तो आप एक बार, क्योंकि मैं मेन चीज़ क्या होता है कि जो इंटरव्यू होता है इंटरव्यू में बैठे आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया इंटरव्यू में क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे आप, जैसे जैसे देखा जाए तो जो आरएमसी उसको मिनी यूपीएससी बोला जाता है, लेकिन जो इंटरव्यू जो होता है आप जो अच्छे अच्छे मतलब जो अभी आईपीएस है आईएएस है जो भी है, आप अगर यूट्यूब पे आप देखोगे उनकी बायोग्राफी या वो खुद से बताते हैं कि मेरे से इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे गए और मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उसके बावजूद वो पास हुए। तो मेन चीज़ जो आपको जो थिंकिंग है इंटरव्यू की, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने नहीं बताया तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फेल पास जो नॉलेज है वो आपका एग्जाम में देखा जाता है बेटे, लेकिन इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका एक बात करने का तरीका, आई कॉन्टेक्ट एंड जो मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चीज़ें एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये चेक किया जाता है इंटरव्यू में, ना कि आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। एंड जो रितिका ये बताएंगे कि इनका जो आरएमसी का इंटरव्यू था वो कैसा रहा एंड इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, एंड ये इनका जिसे आपने पहले मिलिट्री स्कूल इंटरव्यू दिया इसके बाद आपने ये आरएमसी का आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, तो फर्स्ट एंड आरएमसी का देखा तो फर्स्ट एंड लास्ट था जो भी है, तो आप एक बार जो इंटरव्यू वाला डे था तो वो एक बार आप ब्रीफ में बताइए कि कैसा रहा आपका, एंड अपने वहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, एंड वहाँ पे और भी जो बच्चे थे उनसे क्या आपकी मतलब वार्तालाप हुई, उसके बारे में एक बार आप ब्रीफ में बताइए बेटे। सर एक बार तो सर डर सबको लगता है इंटरव्यू का नाम सुनकर, कि इंटरव्यू होगा अंदर जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ बैठे रहते हैं, तो मैं जब सुबह सुबह उठा तब तक तो सब नॉर्मल था, एक वहाँ पे जो इंटरव्यू का सेंटर दिया हुआ था हमारा पटना सचिवालय वहाँ गया मैं, तो तब तक नॉर्मल था, फिर 11 बजते हैं, 11 बजे हार्ट बीट बढ़ने लगा मेरा, अब क्या होगा अब क्या होगा, 11 बज गए, 11:30 हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर 11:45 में 12:15 में हमें एक एक करके बुलाना शुरू कर दिया, सात्विक सौर्य मेरे से पहले था वो, उसको बुलाते हैं फिर मुझे भी बुलाते हैं, एक को बार बेंच पे रख रहे थे एक को अंदर इंटरव्यू देने के लिए भेज रहे थे, तो सर मुझे लगा कि आराम से 15-20 मिनट लेंगे सबका इंटरव्यू, फिर सात्विक सौर्य जाता है और वो जब बाहर निकल जाता है 5 मिनट में, मैं कन्फ्यूज़ था, अरे इतना जल्दी कैसे बाहर निकल सकता है कोई, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया इसको, मैं गया अंदर, तो सबसे पहले चीज़ सबको यही सोचते हैं कि अंदर जाऊँगा इंट्रोडक्शन पूछेंगे इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं अंदर गया वो मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मुझसे, बोलते हैं यू आर ऋतिक राज फ्रॉम औरंगाबाद बिहार, योर फादर्स ने मेज ये, मतलब कि ये कैसे बोल दिया इन्होंने, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इनिशियल स्टडीज़ कहाँ से की, मैंने अपने स्कूल का नाम बताया, फिर उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिससे मैं चौंक गया, उन्होंने पूछा कि योर औरंगाबाद इज़ बेटर नॉन फॉर नेक्सलॉइड्स, आपको औरंगाबाद नेक्सलॉइड के लिए जाना जाता है, मैं सोचा नेक्सलॉइड का तो नाम ही नहीं सुना मैंने, तब भी मैं नेक्सलॉइड के बारे में जानता था कुछ कुछ, तो मैंने बोला सर नेक्सलॉइड के बारे में मैं उतना तो नहीं जानता कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं, बट नेक्सलॉइड के बारे में इतना जानता हूं मैं कि वो हमारे सोशल लाइफ के लिए सही नहीं होते, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता मैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर लिया, तो जैसा कि आपने बोला था सर कि सारे क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, मैंने भी वही सोचा था कि सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, पर जो दूंगा वो कॉन्फिडेंस से दूंगा, मैंने जो दिया वो कॉन्फिडेंस से दिया और अभी तो मैं आप देख ही सकते हो। ओके
तो बेटे कुल मिला के ये है कि जो इंटरव्यू डरना नहीं है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो ऋतिक राज है, इन्होंने नवोदय स्कूल का पेपर दिया था लेकिन इनका नहीं हुआ, सैनिक स्कूल का पेपर दिया था, उस टाइम इनका सैनिक स्कूल में स्कोर क्या था, 262 स्कोर था, लेकिन उसके बाद सैनिक स्कूल कौन सा फिलअप किया था आपने, तो 262 में आपको पता होगा कि आपने कौन से सेशन में दिया था सर, 2022 में दिया था मैंने, 2022 में, तो 2022 में अगर बात करते हैं तो उस टाइम बेटे जैसे अभी तो सैनिक स्कूल ने क्या कर रखा है कि ई काउंसलिंग का जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आप एक साथ 10 स्कूल चूज कर सकते थे, लेकिन 2022 की अगर बात करते हैं उस टाइम ओनली आप फॉर्म फिलअप करते तो आपसे वहाँ पे ओनली वन स्कूल पूछा जाता था, तो आपने कौन सा स्कूल फिलअप किया था सर, मैंने गोपालगंज तो फिल कर रखा था उस समय, और उस समय ई काउंसलिंग का कोई चक्कर भी नहीं था, पर उस समय NSS थे, न्यू सैनिक स्कूल, तो कुछ दिनों बाद मुझे NSS का भी कॉल आया था, पर मैंने उसमें नहीं लिया था एडमिशन, बिकॉज उस समय मैंने RMS का इंटरव्यू दे रखा था, मुझे श्योर था उसमें हो जाएगा, बट नहीं हुआ, किस्मत ही ऐसी थी। तो देखो कुल मिलाकर क्या होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, एंड सैनिक स्कूल नहीं हुआ, मिलिट्री स्कूल नहीं हुआ, नवोदय स्कूल नहीं हुआ, एंड RIMC हो गया, एंड वो भी रैंक 1 के साथ, तो कुल मिला के बेटे ये है किसी को नर्वस नहीं होना है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, एंड ऋतिक राज आपके लिए एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो नवोदय स्कूल, आप सभी को बताओगे नवोदय स्कूल में कितनी सीट होती है, कितने नवोदय स्कूल है, उसके बाद अगर बात करें सैनिक स्कूल की तो सैनिक स्कूल में 3000+ सीट होती है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, एंड फिर मिलिट्री स्कूल की बात करते हैं, मिलिट्री स्कूल में 250-300 सीट होती है, उसमें नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन RIMC जिसमें 25 सीट होती है उसमें ऑल इंडिया रैंक 1, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इनके लिए। एंड बेटे आप जो भी बच्चे अभी RIMC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, या जो भी बच्चे इन फ्यूचर RIMC उनका ड्रीम है RIMC में जाना, तो उनको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे कि वो भी एक आपकी तरह ऑल इंडिया रैंक 1 ला सके, तो एक बार बताइए बेटे। सर पहली बात तो ये होती है कि कोई भी बच्चा RIMC का नाम सुनता है तो वो बोलता है कि अरे 25 सीटें हैं कैसे होगा, इतने सारे बच्चे हैं ऑल इंडिया में, मेरा तो शायद ही होगा, नहीं होगा, पर वो ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे को सिर्फ एक सीट से मतलब है, और अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करता है तो ऑल इंडिया रैंक 1st भी ला देता है। तो सबसे बड़ा मोटिव तो ये होता है कि आपको डरना नहीं होता, हौसला रखना होता है RIMC में अच्छा स्कोर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बट जो डर गया, एक कहावत भी है जो डर गया सो मर गया, तो डरना नहीं होता और अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, GK हो गया, हालांकि लेवल अच्छी थी मैथ की, ठीक ना, बच्चे कुछ नहीं कर सकते, पर जिसने ये बोला जाता है कि RIMC एक रिटन एग्जाम नहीं होता, मेंटल एग्जाम होता है, तो यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी का साथ देना बहुत जरूरी होता है, डेट्स ऑल। यस, ये चीज़ जो इन्होंने बोली, जो RIMC जो एग्जाम है रिटन एग्जाम नहीं मेंटल एग्जाम है, ये अभी जैसे कि जून 2023 एंड दिसंबर 2023 यहाँ से तो 100% परफेक्ट ये चीज़ लागू होती है कि RIMC एक रिटन एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे मैथ्स के, ऐसे क्वेश्चन है जिनका रिटन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो बड़े वही चीज़ है कि RIMC एक रिटन एग्जाम नहीं है, एक मेंटल एग्जाम है। एंड इसके अलावा और कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य है तो मुमकिन है, दैट्स ऑल। ओके, बाकी मिलते हैं बेटे नेक्स्ट सेशन में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।